हेलो गाइस, वेलकम टू दिल्ली तड़का चैनल। हम आपको मज़े मज़े के खाने बनाना सिखाएंगे, लेकिन गाइस उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज हम आपको दिल्ली स्टाइल में पाए बनाना सिखाएंगे। सिर्फ हमने पानी के अंदर पाए डाल के इसको जोश के लिए रख दिया है ताकि इसमें जोश आ जाए। कुछ भी नहीं किया, अभी पानी डाल के जोश करा है। अभी हम आगे जो सामान है वो सब रेडी करेंगे, उसके बाद जो है हम अपनी अम्मी से फरमाइश करेंगे कि आप आएँ और इसके अंदर सारी चीज़ें रेडी करें। अब आप ये देखें, इसमें अच्छी तरह जोश आ गया था पाए में, तो हमने क्या करा, पहले वाला पानी फेंक कर इसके अंदर जो है ना पाए को पुराना वाला पानी फेंक कर नया पानी थोड़ा सा डाल कर, और जो हमने दोबारा पाए इसके अंदर डाल दिए। जब तक अच्छी तरह जोश नहीं आ जाए आपने पाए नहीं निकालने हैं। ये हमने क्वांटिटी 4 पाए बना रहे हैं हम, और हमने इसके अंदर लहसुन और 1 किलो के करीब प्याज डाल दिए। तीन गट्ठियाँ हमने लहसुन की लिए हैं क्वांटिटी, बाकी आप जितने पाए बनाए उसके मुताबिक डालना। 4 पाए में 3 गट्ठियाँ लहसुन की और 1 किलो प्याज लिए, और इसके अंदर हमने नमक डाल दिए 3 स्पून। इसके अंदर हमने नमक डाल दिया, नमक ये देख लें। अब ये पाए जोश पे आए हुए हैं, एक स्पून हमने इसके अंदर हल्दी डाल दिए, और ये लाल मिर्च पाउडर ये हमने 3 स्पून इसके अंदर भर भर के डाल दिए। आप स्पून देख सकते हैं कितना बड़ा स्पून है, और ये 4th स्पून। आप इसके अंदर 5 स्पून ऐड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं स्पून कितने स्पून ऐड करने हैं। इस तरह के स्पून होना चाहिए। अब ये देखें, धनिया पाउडर हमने ऐड करा है 3 स्पून, धनिया पाउडर 3 स्पून हो गया। अब आप ये देख सकते हैं, अब हम इसको करेंगे मिक्स। अब ये देखें किस तरह मिक्स हो रहा है। सारी चीज़ें ऐड करके ये ख्याल रखिएगा, जो जिस पानी में हमने इसको जोश दिए थे पाए को वो फेंक देना है। थोड़ा सा नया पानी डाल के हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी इसके अंदर। अब ये देखें, अब हम ये देखें इन पायों को गलने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम इनको गलने, जब तक नहीं गलेंगे हम इसको छोड़ देंगे गलने तक के लिए। अभी हम देखने आए हैं कि इसके अंदर क्या हो गया, पाए जो हैं वो गले हैं या नहीं। इसके अंदर हमने आधा पाव जो है अदरक भी पीस के हमने ऐड कर दिए, आधा पाव के करीब अदरक डलेगी इसके अंदर। जब तक प्याज और लहसुन जो है ना वो गल ना जाए, इसके अंदर मिक्स ना हो जाए, उस वक्त तक हम दही नहीं मिक्स करेंगे, और देखते रहेंगे कि ये गल गया नहीं गला। इसके मिक्स होने के बाद फिर हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे ना। अभी हम इसको जोश पर रख देते हैं फिर दोबारा। गाइस ये देखें, हमने 1 घंटे बाद चेक कर रहे हैं, लेकिन पाए अभी गले नहीं है। देखते रहना थोड़ी थोड़ी देर बाद, देखें इसको 1 घंटा हो गया। हम आपको टाइम भी इसलिए बता रहे हैं ताकि आप टाइम का भी ख़ास ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि आप गलने से पहले ही आपने देख लिया कि प्याज़ और लहसुन जो है वो मिक्स हो गया है, तो हम इसके अंदर जो है ना दही मिक्स कर दें। अभी दही मिक्स नहीं करेंगे जब तक हमारे जो है वो पाए गल ना जाएं। अभी आप ये देखें, हाथ लगा ये देखें, अभी बिल्कुल कच्चा है, कोई फ़ायदा नहीं है इसके अंदर। अभी हम इसको और पकने के लिए रखेंगे। गाइस ये देखें, ये देखें 2 घंटे हो, इसको 1.5 घंटा हो गया है, इसका पानी खुश्क हो गया है। देखें शक्ल तो आ गई है इसकी, पानी खुश्क हो गया है, रोगन टाइप बन चुका है, पाए हल्के से गल चुके हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद, ये नहीं कि आपने पाए रख दिए गलाने के लिए और देख नहीं रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसी तरह स्पून चलाने ताकि नीचे से जो है वो पाए लग ना जाए। जिस तरह आप और सालन बनाते हैं वो लगते नहीं है, इसी तरह जो है आपको हर थोड़ी देर बाद स्पून इसी तरह चलाना है ताकि पाए लग ना जाए।
अब ये देखें, आपको शक्ल तो नज़र दिख रही होगी, ये देखें, ये तो खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हर थोड़ी देर बाद इसी तरह स्पून चलाना है। ये देखें रोगन देखें कैसा बन चुका है इसके अंदर, देख रहे हैं आप। अब ये देखें गाइस, डेढ़ से दो घंटे हो गए हमें, अभी हमने इसमें देख लिया था कि गोश्त गल चुका है और हमने इसके अंदर दही डाल दिया। दही की क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप ये देखें, मसाला बिल्कुल कम हो गया था, मसाला हो गया है, पानी खुश्क हो चुका है बिल्कुल, मसाला बन गया और गोश्त ने भी जो है ना वो हड्डियों को छोड़ दिया है। अभी हमने इसके अंदर, अभी मैं आपको दही की क्वांटिटी बताऊंगा कि हमने कितना दही इसमें मिक्स करना है। अभी हम आधा किलो के करीब इसके अंदर दही मिक्स कर चुके हैं और हम देखें मुसलसल इसको चला रहे हैं ताकि नीचे से लग ना जाए और अच्छी तरह दही मिक्स हो जाए। मसाला टाइप बन चुका है। अभी आप ये देखें कितनी अच्छी ज़बरदस्त जो है ना शक्ल आ चुकी है पाई की। क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। गाइस आपने इस वीडियो के साथ साथ देखते हुए लिखते रहना है क्वांटिटी, क्योंकि मैं शुरू में आपको मसालों की भी क्वांटिटी बता चुका हूँ कि कितने स्पून आपने मसाले मिक्स करने इसके अंदर, कितना जो है आपने प्याज, कितने लहसुन और कितना अदरक। और अभी जो मैं आपको क्वांटिटी हम आधा किलो के करीब डाल चुके हैं, अभी हम देखते रहेंगे मसाले नमक वगैरह तो वैसे तो डालने हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से भी देखेंगे कि कोई, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग जो है कम खाते हैं, तो हर चीज़ अपने आपसे देखते भी रहना है। ये देखें हम मिक्स करते जा रहे हैं, साथ साथ आपको मिक्स भी करना है ताकि लग ना जाए। दो घंटे हो चुके हैं गाइस, मैं आपको टाइम भी बता रहा हूँ, देखें हम दो घंटे हो चुके हैं इसको, ये हमने टेस्ट करा दही वगैरह नमक मसाला सब हमने टेस्ट करा। ये हमने एक पाव दही और डाल दिया इसके अंदर, हमें कम लगा था तो हमने एक पाव दही और मिक्स कर दिया। ये हमने सारे दही जो है वो बगैर मलाई के लिए थे, क्योंकि मलाई नहीं होनी चाहिए दही के अंदर, ये हमने फेंट के रखे हुए थे शॉपर के अंदर ही, हमने फेंट लिया था इनको दही को। अब ये देखें ये हम मुसलसल मिक्स किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज भी किस आंच पे ये बन रहे हैं गाइस, आंच का भी ख्याल रखना है, ये नहीं आपने जो है ना बिल्कुल ही स्लो आंच पे आप पाए बना रहे हैं, इस चीज का भी आपको बहुत ख्याल रखना है। ये देखें गाइस, हमने इसके अंदर तीन पाव के करीब जो है वो हमने दही इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। ये देखें माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त जो है ना इसकी शक्ल आ गई है। गाइस इसी तरह आपने जो है ना सारी चीज़ें करनी है, टाइम लिमिट का ख्याल रखना है, टाइम भी लिखना है अपने साथ साथ हमारी वीडियो को देखते हुए। अगर आपने इस तरह ही इसी तरकीब से आपने जो है ना तैयार की डिश अपनी, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप जो है ना बाज़ार के भी जो आप मशहूर मशहूर जगहों के पाए खाने जाते हैं उन जगहों के भी पाए भूल जाएंगे आप। ये देखें मुसलसल मिक्स किए जा रहे हैं।
बहुत सारे लोग बाज़ार के पाए पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में ही इतने टेस्टी पाए बन जाते हैं कि हमें बाज़ार में खाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये देखें आप, इसी तरह आपको मिक्स करना है। टाइम तो हमें बहुत हो गया, लेकिन ये वीडियो मैं क्लिप करके इसलिए बना रहा हूँ और आपको टाइम भी साथ साथ बताते जा रहा हूँ ताकि आप टाइम का भी ख्याल रखें और टाइम भी लिखते रहें वीडियो को देख देख के। फिर आप इसी तरकीब से बनाएं, फिर आप देखिएगा कैसा टेस्ट आता है आपको। ये देखें गाइस, 20 से 25 मिनट तक आपने इसको भूनते रहना है ताकि थोड़ा सा सालन भून जाए और गोश्त भी जो है ये पूरा गल जाए। ये देखें, इस तरह चलाते भी रहना है और सालन पूरा, ये देखें कैसा मसाला, किस तरह का मसाला, ये देखें मसाला कितना ज़बरदस्त बन गया है। बाद जो है हम इसके अंदर पानी मिक्स करके शोरबा बढ़ाने के, यानी कि शोरबा इसके अंदर करने के लिए, क्योंकि बहुत भुना हुआ हो गया, इस तरह तो पाए होते नहीं हैं। शोरबा करने के लिए इसके अंदर हम पानी मिक्स करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको अच्छी तरह भूनना है। अभी देखिए हमने पानी मिक्स कर दिया इसके अंदर, अब हम इसको जो है वो भुनने के लिए रख देंगे ताकि ये गोश्त गल जाए। आधा घंटे तक हमने इसको मिक्स करा, ये देखिए हमने इसको अब रख दिया है, हमने भुनने के लिए रख दिया है। देखिए टोटल ये 20 गिलास हो चुके हैं इसके अंदर पानी, और ये देखिए गिलास, इतना बड़ा गिलास है ये। ये देखें गाइस, हमने इसको इस आँच पे रख दिया है पानी डाल के, इसके अंदर हमने 20 गिलास पानी डाल दिया है और इसको आँच पे रख दिया है ताकि ये जो है वो गोश्त गल जाए। जब तक गोश्त नहीं गलेगा हमने इसको पकाते रहना है, क्योंकि आपको पता है पाए का गोश्त बहुत देर में गलता है, इसलिए हमने इसको जो है ना रख दिया है पानी। हेलो गाइस, ये देखें आधे घंटे बाद हमने इसको चेक करा है तेज़ आँच पे, कलर वगैरह बिल्कुल ओके हो गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अभी गोश्त नहीं गला क्योंकि जाहिर सी बात है ये पाए हैं, इसका गोश्त बहुत देर में गलता है। अब हम क्या करेंगे, इसको आधे घंटे बाद हमने चेक कर चुके हैं, इसको अब हम 2 घंटे के लिए हल्की आँच पर रख देंगे पकाने के लिए ताकि अच्छा इसका टेस्ट आ जाए, गोश्त वगैरह गल जाए और जो है हड्डियाँ अपना जो है इसका जो है वो रस वगैरह जो होता है हड्डियाँ भी, ताकि टेस्ट और अच्छा आ जाए। अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। 2 घंटे बाद भी आपको लाजमी जो है ना 2 से 2.5 घंटे बाद इसको चेक करना है कि बोटी वगैरह सब गल चुकी है, सब ओके है, उसके बाद जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाएंगे 2 से 2.5 घंटे। बघारा डाला और ये डाला हमने गरम मसाला ऊपर से, अब हमने पाए को बघारा भी दे दिया और हमने इसको ढक दिया 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया है। बघारा भी दे दिया हमने सब, 2.5 से 3 घंटे हमने इसको हल्की आंच पर रखा था ताकि अच्छी तरह ही पाए गल जाए। 5 से 10 मिनट के लिए इसको बघारा डालने के बाद रहने देना है। और गाइस मज़ेदार पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आपने देखा था हमने इसमें तड़का लगा कर बड़ी इलायची और लौंगे पीस कर डालकर हमने सिर्फ चूल्हे पे इसको 10 मिनट के बाद बंद कर दिया चूल्हा। अभी मज़ेदार पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हमें पता है आपको भी पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।